आज हम आपको उन गाड़ियों के बारे में बताएंगे जो कि 2018 में बंद हो गई थी। तो जानिए वो गाड़ियां कौन कौन सी हैं और हमारी वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। टॉप लिस्ट प्रोवाइडर, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई वीडियो देखने के लिए। हुंडई इओन। इओन को हुंडई ने सेंट्रो को रिप्लेस करने के लिए लॉन्च किया था। हुंडई ने सोचा था कि इओन सेंट्रो से ज़्यादा सेल होगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि इओन सेंट्रो से भी बहुत कम बिकी, जिस वजह से हुंडई ने इओन को बंद कर दिया और सेंट्रो को दोबारा लॉन्च कर दिया। इओन कार एक हैचबैक कार थी। इओन में आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता था, जो कि 814 यानी 814 सीसी का 800L SOSC 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता था, जिसकी पावर 55 BHP की। इस कार में एक और इंजन का ऑप्शन मिलता था, जो कि 1.0 लीटर का था। इओन कार में आपको LPG का ऑप्शन भी मिलता था। इस कार की कीमत शुरू होती थी 3.37 लाख रुपीज से। सैंगयोंग रैक्सटन। सैंगयोंग रैक्सटन को हम महिंद्रा रैक्सटन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस कार को महिंद्रा ने ही इंडिया में बेचना शुरू किया था। ये मॉडल सैंगयोंग कंपनी का सबसे महंगा मॉडल था, पर मार्केट में ये कार ना के बराबर बिकी। इस कार को बेचने के लिए कंपनी को इस पर बहुत बड़ा डिस्काउंट करना पड़ा, फिर भी ये कार इतनी नहीं बिकी। फिर इस गाड़ी को बंद कर दिया गया। ये कार एक SUV कार थी। इस कार में आपको सिर्फ डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता था, जो कि 2696 सीसी का डीजल इंजन मिलता था, जिसकी पावर 162 BHP की, और कार की कीमत शुरू होती है 21.04 लाख रुपीस से। वॉक्सवैगन बीटल। बीटल पूरी दुनिया में एक बहुत फेमस हैचबैक कार थी। इंडिया में ये कार ना के बराबर ही बिकी, क्योंकि इसके प्राइस ओवर प्राइस्ड थे, और इस कार के प्राइस के अंदर आपको और कंपनी की बहुत बेहतरीन कार मिल रही थी। ये कार एक प्रीमियम हैचबैक कार थी। बीटली आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन का ऑप्शन में मिलती थी, पर इसमें आपको दो पेट्रोल इंजन मिलते थे। पहला 1395 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलता था, जो कि 148 BHP को जनरेट करता था। दूसरा 1984 सीसी का पेट्रोल इंजन, जो कि 114 BHP को जनरेट करता था। इस कार की कीमत शुरू होती थी 21.23 लाख रुपीज से। वॉक्सवैगन जेटा। जेटा बहुत पॉपुलर कार थी इंडिया में एक ज़माने में, पर इंडिया में सिडान को लोगों ने नापसंद करना शुरू कर दिया था, क्योंकि तब इंडिया में SUV का क्रेज शुरू हो गया था। यही रीज़न है वॉक्सवैगन को जेटा बंद करनी पड़ी, पर जेटा को 2020 में फिर से रिलॉन्च किया जाएगा। इस कार में आपको दोनों इंजन का ऑप्शन मिलता था, पेट्रोल और डीजल का। पहला 1.4 लीटर TSI पेट्रोल इंजन, दूसरा 2.0 लीटर TDI डीजल इंजन। इस कार की कीमत शुरू होती थी 14.78 लाख रुपीज से। होंडा ब्रियो। ब्रियो को होंडा ने बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ लॉन्च किया था इंडिया में, पर होंडा ब्रियो को इंडिया में पसंद नहीं करा गया, क्योंकि उसका डिज़ाइन अच्छा नहीं था, खासकर कि ब्रियो की बैक साइड का। ये कार एक हैचबैक कार थी। होंडा ने ब्रियो में थोड़े बहुत चेंज भी किए, पर ब्रियो तब भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। ये कार सिर्फ पेट्रोल इंजन में मिलती थी, जो कि 1198 सीसी का पेट्रोल इंजन, जिसकी पावर 89.8 BHP की। इस कार की कीमत शुरू होती थी 4.78 लाख रुपीज से। महिंद्रा नुवोस्पोर्ट। नुवोस्पोर्ट बेस है महिंद्रा जाइलो पे, पर महिंद्रा इस कार को MPV की जगह एक SUV कार बनाना चाहता था। महिंद्रा ने इस कार की लेंथ यानी लंबाई जाइलो से छोटी कर दी, पर इसका डिज़ाइन किसी को पसंद नहीं आया। ये कार एक SUV कार थी। महिंद्रा नुवोस्पोर्ट सिर्फ डीजल इंजन में मिलती थी, जो कि 1493 सीसी का डीजल इंजन, जिसकी पावर 100 BHP की। इस कार की कीमत शुरू होती है 7.98 लाख रुपीज से। महिंद्रा वेरिटो वाइब। वेरिटो वाइब एक हैचबैक वर्जन है महिंद्रा वेरिटो का। महिंद्रा कार जो कि फेमस है SUVs और MUVs कार बनाने में, उसने अपनी एक हैचबैक कार को लॉन्च किया, पर वो एक बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई। इसका डिज़ाइन बहुत ही बेकार था और ओल्ड फैशनेबल था। ये कार आपको डीजल इंजन के ऑप्शन के साथ मिलती थी, जो कि 1461 सीसी का डीजल इंजन, जिसकी पावर 64 BHP की, और कार की कीमत शुरू होती थी 6.55 लाख रुपीज से।
महिंद्रा वेरिटो। महिंद्रा वेरिटो एक ऐसी कार है जो कि महिंद्रा और रेनो की पार्टनरशिप से मिलकर लॉन्च हुई थी। ये कार एक 5-सीटर सेडान कार है। जब ये कार लॉन्च हुई तो ये कार बहुत अच्छे से बिकी थी, पर बाद में इसकी सेल्स बहुत डाउन हो गई क्योंकि इस कार का डिज़ाइन और कंफर्ट बहुत बेकार था। हाल ही में महिंद्रा ने वेरिटो का इलेक्ट्रिक वर्जन को लॉन्च किया है जिसका नाम महिंद्रा ई वेरिटो है। वेरिटो में आपको 1461 सीसी का डीजल इंजन जिसकी पावर 65 बीएचपी की है और कार की कीमत शुरू होती थी 7.56 लाख रुपीज से। टाटा इंडिगो। इंडिगो एक 5-सीटर सेडान कार है। ये कार एक बहुत पॉपुलर कार है टैक्सी सेगमेंट में, पर इस कार की वैल्यू डाउन तब से हुई तब से डिजायर लॉन्च हुई। टाटा ने इस कार को बंद करने का सोचा क्योंकि इसकी सेल ना के बराबर हो रही थी। टाटा इंडिगो में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शन मिलते थे। पहला 1193 सीसी का पेट्रोल इंजन जिसकी पावर 64.1 बीएचपी, दूसरा इंजन 1396 सीसी का डीजल इंजन जो कि 69 बीएचपी को जनरेट करता था। इस कार की कीमत शुरू होती थी 4.86 लाख रुपीज से। टाटा इंडिका। इंडिका एक 5-सीटर हैचबैक कार थी। टाटा ने इस कार को पूरे 20 साल तक मैन्युफैक्चर किया। ये कार एक बहुत पॉपुलर कार थी। टाटा कंपनी इस कार की वजह से ही बहुत पॉपुलर हुई और कार को बंद करने का रीज़न है कि ये कार एक आउटडेटेड कार हो गई थी। डिज़ाइन, फीचर्स सब पुराने हो गए थे। ये कार आपको पेट्रोल और डीजल दोनों के इंजन के ऑप्शन के साथ मिलती थी। पहला 1193 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलता था जो कि 64.4 बीएचपी को जनरेट करता था। दूसरा 1396 सीसी का डीजल इंजन जो कि 69 बीएचपी को जनरेट करता था। इस कार की कीमत शुरू होती थी 4.89 लाख रुपीज़ से, यानी 4,89,000 रुपये से। तो ये हैं 10 वो गाड़ियाँ जो बंद हो चुकी हैं। आपको इनमें से कोई कार अच्छी लगती थी तो हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइए।